दोस्तों यहाँ पर साइड में एक चैनल देखिए, इसका नाम है फैक्ट हैंड। इस पर यहाँ पर सब्सक्राइबर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। और ये दोस्तों हाल फिलहाल में इसके सारे वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुए हैं। लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन पहले ये वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुआ है। और इस पर देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख लगभग सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। और आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कल से परसों तक ही 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं या किसी भी प्रकार से अगर जुड़े रहते हैं, इनके चैनल को सर्च करके देखिएगा, कल से परसों तक 2 लाख क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चैनल पर मैं व्यूज़ दिखाता हूँ, व्यूज़ की बात करता हूँ, रियल टाइम व्यूज़ जिसको बोलते हैं, 48 घंटे में जो व्यूज़ आता है वो 2 मिलियन से ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे ही एक फ्रेंड का चैनल है जिसके विषय में मैंने बताया भी था कई सारे वीडियोस में पहले कि मैं अभी कई सारे शॉर्ट चैनल पे दोस्तों वर्क कर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड लोग भी कर रहे हैं। मेरा भी खुद का एक चैनल था दीपक दास क्रिएटर नाम से, उसका भी मैं आप लोग को पता होगा, अगर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, मेरा उसमें लोगो लगा हुआ है, मेरा लोगो वाला फ़ोटो है, ठीक है, लोगो में ही मेरा फ़ोटो लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे। तो उस पर दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियोस, ऐसे भी मुझे समय नहीं मिल पाने के कारण मैं उस पर शॉर्ट वीडियोस के विषय में वीडियोस तो बनाता था, जिस टाइप का भी हो मैं रिएक्शन वीडियोस बनाया करता था। आप यहाँ पर उसका भी स्क्रीनशॉट साइड में किधरों लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस पर मैं रिएक्शन के वीडियोस डाला करता था क्योंकि मेरा वो जीके का चैनल था, अलग अलग प्रकार से बहुत सारे वीडियोस डाले, उसके बाद रिएक्शन वीडियोस डालना स्टार्ट किया तो रिस्पॉन्स मिल रहे थे और ये वायरल भी हो जाएंगे। मुझे समय नहीं मिल पाने के कारण दोस्तों मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सोचता हूँ कि इसे भी अब दूसरे लाइन में ले जाऊँगा, क्योंकि एक में रिएक्शन वीडियो के लिए अलग से समय निकालना, वीडियो की कट करके एडिटिंग करना, उसके बाद इसमें दोस्तों इस मैच नहीं हो पाता है, तो उसको भी मैंने सोचा कि उस पर भी टेक्स से रिलेटेड वीडियोस डालने के विषय में सोच रहा हूँ। खैर सोचूंगा, जो जिस प्रकार से समय मिलेगा उसके लिए मैं मैनेजमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल इसके विषय में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं इनके वीडियोज़ पहले ये किस प्रकार के वीडियोज़ जाते हैं। पहले मैं चैनल पर जाकर थोड़ा दिखा देता हूँ पहले किस प्रकार के वीडियोज़ डाला करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसके वीडियोस पे पहले व्यूज़ नहीं आते थे, 2-3 हज़ार में जाकर रुक जाया करते थे। तो इन्होंने फिर अलग टाइप के वीडियोस डालना स्टार्ट किया, फिर बीच में किस प्रकार के वीडियोस डालना, फिर कार वाला, फिर देखिए किस प्रकार के वीडियोस डालना, फिर अचानक से एक वीडियो 2 मिलियन के क्रॉस हो गया। अचानक से जो है एक दिन में ही लगभग 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और दूसरे दिन होते होते मिलियन क्रॉस होने लगा। उसके बाद आप देखिए कार से रिलेटेड जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं सारे वीडियोस चल रहे हैं, रिसेंट वाले वीडियोस भी मैंने दिखा दिया, सारे वीडियोस चल रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ, अभी इसके विषय में मैं डिटेल्स में अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा दोस्तों, कैसे वीडियोज़ वायरल करना है, क्या कुछ हमें काम करना चाहिए, टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन में कैसे लगाना चाहिए, सारा कुछ हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो से हमें ये सीख मिलता है कि अगर हमें एक ही प्रकार के मतलब किसी भी टाइप से रिलेटेड वीडियोज हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं और उस पर भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें तुरंत ही अपना टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुरंत ही मतलब 10-15 वीडियो डालें, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 2 महीने तो शॉर्ट वाले चैनल पे, 2 से 3 महीने आपको वेट, कम से कम 2 महीना शॉर्ट वाले पे जो है आप 20 से 30, 40, 50 यानी कि 50 वीडियोस डालते डालते आपको लगभग 2 महीने का समय लग ही जाता है। तो 2 महीने कम से कम एक चैनल पे कंटिन्यूसली दीजिए और दिन में 3 वीडियोस डालिए। और शॉर्ट वीडियो का एक ये चीज़ है, फंडा है कि आपको अलग अलग समय पे डालना है, दिन में 2 बजे 3 बजे और ज़्यादातर वायरल होते हैं 1 बजे से लेकर के 3-4 बजे के बीच में। अगर जितने भी शॉर्ट वीडियो डालेंगे बहुत तुरंत ही शॉर्ट फीड में चले जाता है। और अपने हिसाब से आप भी देख लीजिएगा कि आपका कब डालने से जो जाता है, मैं जब भी डालता हूँ तो वो तुरंत ही शॉर्ट फीड में चला जाता है, सवेरे डालता हूँ तो नहीं जाता है, रात में भी डालता हूँ तो नहीं जाता है, 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में डालता हूँ, बहुत जल्द वो शॉर्ट फीड में चला जाता है। और इससे रिलेटेड सारी बातें दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।